प्रस्तुत है आज की खास खबरें। नहर का बांध कटने से बर्बाद हुई किसानों की मेहनत। खुटहन जौनपुर स्थानीय क्षेत्र के शेख अशरफपुर गांव में बीती रात शारदा सहायक खंड 36 नहर का बांध अचानक कट गया। कटान से तेज बहाव के साथ निकल रहे पानी में तीन गांवों के लगभग 400 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में फैली धान की फसल डूब गई। सुबह होते होते पानी रिहायशी बस्तियों तक पहुँच गया, जो लोगों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी रोका नहीं जा सका। गनीमत रही कि नहर से आ रहा पानी करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित वीरवन के नाले में उतर गया। ये नाला गोमती नदी से जुड़ा है, जिससे पानी नदी में जाने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर विभाग को सूचना देकर जलापूर्ति बंद करवाई, तब जाकर किसानों ने राहत की सांस ली। फिलहाल प्रशासन युद्ध स्तर पर कटान को सही कराने में जुटा है, नुकसान का आकलन भी लगाया जा रहा है। इससे पहले भी पानी के कटान की जानकारी होने पर ग्रामीण फावड़ा लेकर नहर पर पहुंचे, लेकिन तब तक बांध लगभग 15 फीट तक कट चुका था। इसकी सूचना पुलिस और नहर विभाग को दी, पानी की आपूर्ति रोक दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी नहर का पानी सुबह तक खेतों में उतरता रहा। तहसीलदार के नेतृत्व में पहुंची राहत टीम शेख अशरफपुर, ताजूपुर, संजरपुर और जंजीरगंज गांव की लगभग 400 बीघा से ज्यादा धान की फसल डूबी देखी। वहीं इस बात में पूछे जाने पर उपजिलाधिकारी शाहगंज नीतीश सिंह ने बताया कि तहसीलदार महेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में राहत टीम मौके पर जेसीबी की मदद से बांध ठीक करने में जुटी है। प्रशासन फसल और ग्रामीणों को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है, जिससे बाद में ग्रामीणों को राहत देने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके। जौनपुर से संवाददाता मनीष कुमार यादव की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।